صلي على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم باركنا على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رَبِّ يسر ولا تعسر وتمن بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين آج إن شاء الله سورة الكاسور پہلے شروعات کر لیتے أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان <سؤال> الرجيم، <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. सबसे पहले तो सूरत अकासुर तो ये कि इसका नाम ये कि जो पहली आयत है इसकी उससे ही आया है और उसके बाद क्या है कि सूरत अकासुर जो है ये मक्की सूरा है वैया समानु आयातें यानी कि इसकी आठ आयतें हैं ठीक और इसके साथ साथ ये है कि इसका जो रब्त इससे पहली वाली जो सूरत है उससे तो इससे पहले हम लोगों ने जो सूरत की है वो है सूरह कारिया और ये कि ये बात हो चुकी है ना कि ये जो चंद सूरतें हैं यानी ये चार सूरतें हैं जो है, वो ये कि एक समझ लीजिए एक ग्रुप है है ना और इसमें ये है कि सूरह ज़िल्ज़ाल सूर्य आदियात फिर सूर्य कारिया और सूर तकासुर तो सूर जल्जाल में जो है वो कयामत के दिन की बात हुई थी कि उस दिन क्या होगा कि किसी ने ज़र्रा बराबर भी नेकी की होगी या बदी की होगी तो वो उसको देख लेगा ठीक फिर सुर आदियात जो आई वो क्या आई कि आदियात में बेसिकली एक जो बात थी कि फ़ी ज़माना यानी कि ज़िंदगी में दुनियावी जिंदगी में इंसान जो है वो आ, किस तरह से मोहब्बत करता है अपने माल से और और चीज़ों से और वो चीज़ें उसको गफलत में डाल देती है फिर सूर्य आई उसमें फिर से कारिया यानी कि कयामत की बात हुई ठीक यानी कि जो जजा और सजा है और जो सवाल जवाब होगा उसके सिलसिले में बात हुई और फिर तकासुर में ये आया कि इस दुनिया में रह के यानि दुनियावी ज़िंदगी में क्या होता है कि आदमी जो है वो किस तरह से आ, अपना जो मकसद ज़िंदगी है वो भूल जाता है तो वैसे देखें तो इन चारों सूरतों में समझ लीजिए कि जल्जाल और बिल्कुल बज़ाहिर वाज तौर परमत के बात बारे में बात कर रही है और शुरियात और तकास जो है वो बात कर रही है आ, जो दुनियावी ज़िंदगी में जो इंसान का हाल है ठीक और वैसे अगर देखें तो ये आपस में भी एक दूसरे से भी इंटर रिलेटेड इस तरह से हैं कि कारिया में बात हुई और वो थी क़यामत की और कारिया जो ख़त्म हुई तो वो किससे ख़त्म हुई वमन खफ़त मवाजिन हूँ फूँ हामिया वमा अदो कमा नारुन हामिया ठीक तो ये कि नारुन हामिया में जो इंसान गया है तो उसकी वजह क्या है उसकी वजह ये है कि धोखे में रखा या धोखे में पड़ा रहा या वो गफलत में पड़ा रहा वो इंसान किसके तकासुर की वजह से ठीक तो ये कि ये हो गया रब्त जो इससे पहले की जो सूरत है सूर्य खारिया से भी और उससे पहले जो और दो सूरतें हैं तो इन चार सूरतों का एक समझ लीजिए कि एक ग्रुप एक मजमू सा है ठीक अब शुरू अगर करें यह शोरा तो किससे है अल्हा तो अल्हा जो है अल्हा है ये माजी का सिका यानी पास्ट पास्टन से ठीक है और अल्हा इल्हा जो आता है ये आता है लहू से लाम हा और वाओ ठीक है और अल्हा इल्हा ये क्या है ये है उसी समझ लीजिए सलासी मुजरत सलासी मजीद भी यानी कि जो बेसिक वर्ड्स होते हैं उसमें और अल्फाज ऐड हो जाते हैं ठीक है अब लहू का मतलब क्या है लहू को अगर वैसे मायने के से देखें तो क्या है इंटरटेनमेंट ठीक है इंटरटेनमेंट जो है उसको कहा जाता है लहू ठीक और ये जो है ये क्या है ये कई जगह अल्लाह ताला ने ये ज़िक्र किया है मतलब ये लफ्ज़ जो है कुरान शरीफ़ में आया है एक है सूरह हदीद में यानी शुरह नंबर 57 की आयत नंबर 20 बीस बीसवीं आयत में क्या है ईलम अन हयात दुनिया लाइबु व लहू के जान लो कि दुनिया की जो ज़िंदगी है वो क्या है खेल और एंटरटेनमेंट मतलब तमाशा ठीक है इसी तरह से अनाम में आया है वमल हयात दु दुनिया इल्ला लाइबू व लहू ठीक तो लहू क्या है कि वो शय जो गफलत में इंसान को मुबला कर दे यानी खेल कूद वैसे खेल जो है वो लाइब वो है और लहू जो है वो मतलब खेल कूद तमाशा इसी का ही वो करेंगे बाब इफ़ाल से हैं ठीक है और मतलब के एतबार से देखें तो क्या होगा कि तुम्हें गाफिल किया ठीक यानी कि तुम आ, गफलत में पड़े रहें और ये कि लहू उस तरह की चीज़ होती है जो कि क्या है कि जो आपको मशगोल रखे ठीक है और आपसे दूर कर दे उस चीज़ को जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है तो लहू क्या चीज़ है लहू उस और इंटरटेनमेंट अगर देखें तो वो क्या होता है वो यही चीज़ होती है ना कि आपको जो और ज़रूरी चीज़ें हैं जो और वो चीज़ें जिन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए तो उससे आपका जहन हटा देती है है ना आपको गफलत में डाल देती है और वो वक्त जो है वो आप किस में गुजार देते हैं अपने उस इंटरटेनमेंट में है ना तो अल्लाह ताला ने ये लफ्ज़ कुरान शरीफ़ में जहाँ जहाँ लाए हैं तो वो बहुत अच्छे मायने में नहीं आया है मतलब ये वो चीज़ है जो आपको गफलत में डाल दें ठीक है और गफलत में आपको मुब्तला करे और जो और अहम चीज़ है जो ज़रूरी चीज़ है उससे आपका ध्यान हटा दे ठीक अब उसके बाद जो चीज़ है वो क्या है इल्हा इहा होता है कि जब जहन बढ़ जाए किसी चीज़ से ठीक है और ये कि वैसे अगर आप मायने के अतबार से देखें या इस सिर्फ लफ्ज़ को ही देखें तो क्या है कि अल्हाम अल्हा ठीक अल्हाम यानी तुमको गफलत में डाल दिया यानी तुम्हारा ध्यान हटा दिया ठीक है और यहाँ पे कुम जो है ये एक तो मुखातिब का सिगा है और मखातब जमा का यानी तुम सब को गफलत में डाला हुआ है ठीक है यानि कि मोरलेस जो अक्सरियत जो है वो इसमें मुब्तला है ठीक है और ये कि एक जो दूसरा मतलब समझ में आता है वो क्या कि तुमको गफलत में डाला है यानी कि जो ज़रूरी जो अहम चीज़ थी उससे तुम्हें तुम्हारा ध्यान हटा दिया है ठीक इसी तरह से सोरे मुनाफिकून यानि सोना नंबर सिक्सटी थ्री आया नंबर नौ no. नाइन में क्या है ला तुल ही कुम अम वालुकुम वा ठीक है वो क्या है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अपने बंदों को कि ऐसा ना हो कि तुम्हारे मा तुम्हारा जो माल है जो तुम्हारे माल हैं और तुम्हारी औलादें तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल कर दें ला तुलि कुम ठीक है तुल्हा इल्हा, युल्ही ये वो है युल्ही से फिर तुल्ही, ये मुखातिब का शवर आ गया फिर से ठीक है और वो इसमें अल्लाह ताला ने क्या बताया है कि ये जो तुम्हारा माल और तुम्हारी जो औलादे हैं ये क्या है ऐसा ना हो कि तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दें और वाक़ता अगर देखें तो अक्सर यही होता है कि जब माल की बहुत हो यानी माल बहुत ज़्यादा हो और औलादें और औलाद को अगर देखें तो ये जरिया होती हैं होनी चाहिए आ, हमें अल्लाह ताला की तरफ करने की यानी अल्लाह ताला के करीब करने की लेकिन अक्सर जो होता है वो क्या होता है कि इन आ, इस औलाद या इन औलादों की वजह से हम अल्लाह से गाफिल होने लगते हैं है ना और ये कि ये तो खैर हदीस शरीफ के मफोम से और वैसे अगर मुशाहे के तौर तो पर भी देखें तो बहुत पता चलता है कि इंसान अपने लिए वो गुनाह नहीं करता है जो वो अपनी औलादों की खातिर कर बैठता है, है ना यानी कि अपना आप हो तो मैं बर्दाश्त कर लूँगी लेकिन मेरे बच्चे को किसी ने कुछ कह दिया तो वो नहीं बर्दाश्त होता है ना तो बहरहाल वो एक ये की कैफियत होती है तो क्या है कि ये जो माल और औलाद हैं जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं और उन नेमतों के बारे में भी अभी हम इसी सूरत में पढ़ेंगे तो ये क्या है ये एक ज़रिया होना चाहिए और ये एक ज़रिया है जो हमें अल्लाह ताला की याद दिलाएं लेकिन हकीक़ता होता क्या है कि ये ज़रिया बन जाता है हमें अल्लाह ताला के जिक्र से और अल्लाह ताला के अहकाम मानने से दूर करने में है ना यानी कि अल्लाह ताला के अहकाम मानने से हमको दूर कर देते हैं हमारे अमवाल और अवलाद अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने मान में रखें और बेहतरीन अमल की बेहतरीन तौफीक अता में है ना तो अगर देखें तो ये सूरत जो शुरू हुई है ये एक समझ लीजिए एक कम्पलें है ना ये इस तरह से कि जो हमारा असल मकसद ज़िंदगी थे ना वो हम भूल रहे हैं ठीक है उससे गफलत में पड़ते जा रहे हैं और इसी तरह से जब ये सूरह ख़त्म होगी तो क्या होगा कि जिसको कहते हैं कि अल्लाह ताला हम हमको ये याद दिला रहे हैं कि हमसे इन चीज़ों का सवाल होगा ठीक है अब क्या है अल्हा ठीक तो जब अल्हा या इस ये लफ्ज़ जब आता है तो अमूमन किसी उसके साथ एक और जो लफ्ज़ आता है उसके साथ वो आन आता है कि तुम्हें गाफिल किया है तो किस चीज़ से है ना तो अब जो एक वैसे सवाल आता है कि भाई किस चीज़ से गफ गफलत हुई है हमारी ठीक है जैसे सूरह मुनाफिकून में अभी हमने पढ़ा था ना ला तोल कुम अम वाल वाला उलाद अन अल्लाह तो अन आया है ना तो अन के सी के साथ आता है लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने उसको जिसको कहते हैं ना ओपन छोड़ दिया है ठीक और वो क्या है अल्हाकुम तकासुर ठीक है तो वो क्या है तकासुर का मतलब होता है बहतात यानी ज़्यादा जो कहा जाता है ना प्लेंटी बहुत तादाद में जो बहुत ज़्यादा हो या और ये है तफाअल के वजन पे तकासुर ठीक है और इसी से ही कसीर भी आया है और ये सब हम लोग पहले ये अल्फाज कर चुके हैं है ना तो आ, क्या हुआ फिर मतलब क्या हुआ इसका कि गाफिल किए रखा तुम्हें बहतात की तलब ने या फिर तुमको बहतात की हिरस ने गाफ़ गफलत में डाल दिया ठीक है बहतात की हिरस ने तुम्हें गफलत में डाल दिया है ठीक ये हम अलग अलग जगह से आपको तर्जुमा करके बता रहे हैं ठीक है अब यहाँ पे जो चीज़ है वो क्या है कि ये अल्हा जो है है ना ये किस किस चीज़ के लिए आया है मतलब ये है कि ये किस किस मायने में आया है तक -तकासुर जो है यानी कि कसरत बहतात है ना? तो ये तीन मायने में है एक है कि अल्लाकम तकासुर यानी कसरत की तलब यानि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पानी की तलब ठीक फिर एक और माने इसका यह भी हो सकता है कि कसरत की तलब में एक दूसरे से आगे निकलने के लिए जो दौड़ है यानि जो मुकाबला है उसने तुम्हें गफलत में डाला हुआ है ठीक है तो एक तो ये हुआ समझने समझ लीजिए कि एक ये है कि भाई मुझे ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा चाहिए ठीक है एक दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि मुझे ज़्यादा है या नहीं है जो भी है लेकिन एक सेंस ऑफ कंपटीशन जो है ना कि अच्छा उसके पास ये है तो मेरे पास उससे ज़्यादा हो ठीक तो क्या मतलब हुआ ये हम दोहरा रहे हैं कसरत की तलब में एक दूसरे से आगे निकलने के लिए जो मुकाबला होता है उसने तुम्हें गफलत में डाला है ठीक है और इसका तीसरा मतलब ये ये भी हो सकता है कि कसरत की बुनियाद पे एक दूसरे पे फख्र करना ठीक है और ये किस तरह से ये इस तरह से कि अच्छा आ, मतलब ये है कि किसी को सरोकार हो ना हो किसी को उससे यू नो ये, ये कि उसका ख्याल आए भी ना आए या ना आए लेकिन आ, मिसाल के तौर पे हम बता रहे हैं कि आपके बच्चे के जो भी हैं बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो आपकी औलाद ने आपको बताया और बात ख़त्म लेकिन जब तक वो और दूसरों को नहीं बताते हैं तब तक फिर वो आ, वो एक तसल्ली, वो एक ख़ुशी नहीं होती है है ना तो ये क्या है और ये वो नहीं है जो एक दूसरे से खुशी बांटने में जो खुशी मिलती है वो नहीं ये कंपटीशन, ये जो नेगेटिव कंपटीशन है उसकी बात हो रही है ठीक क्या है कि कसरत की बुनियाद पे एक दूसरे पे फख्र करना इस चीज़ ने तुम्हें गाफिल कर दिया है अब इन तीनों मतलबों से अगर देखें ये जो तीनों तीन मायने जो बताए हैं उसके हिसाब से इस आयत का तर्जुमा अगर देखें तो क्या होगा पहले एतबार से क्या होगा गाफिल किए रखा तुम्हें बहतात की तलब ने ठीक है या फिर गाफिल किए रखा तुम्हें बहतात के हसूल में एक दूर, दूसरे से बाजी ले जाने की दौड़ या फिर गाफिल किए रखा तुम्हें बहतात की बुनियाद पर एक दूसरे पे फ़्र करने में ठीक है कि एक दूसरे पे हमको फ़ख्र भी होता है ठीक है और ये भी होता है कि हाँ उसके पास अगर उसके बच्चे का जो भी है यहाँ एडमिशन हुआ है या ये हुआ है या उसने ये काम कर लिया है तो मेरे मेरा बच्चा भी करें है ना ये वाला जो एक कंपटीशन होता है और एक जो है वो क्या है कि एक अमूमी तौर पे बहुतात की मतलब मेरे पास और ज़्यादा हो या और ज़्यादा हो और अगर देखें तो हदीस शरीफ़ का एक एक हदीस शरीफ है जिसके मफहूम के एतबार से क्या है कि उसमें ये यही अल्हा जो है ये आया है ठीक है अल्हा जो हम लोग लफ्ज़ ऐसी में पढ़ रहे हैं और वो क्या है माकल्ला वक़ा ख़ैरुम ममा कैसरा व अल्हा कि जो चीज़ कम हो मगर किफ़ायत कर जाए ठीक है यानी कि ज़रूरत पूरी हो जाए हमारी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े वो कहीं बेहतर है उससे जो क्या है माँ कसरा व अल्ह जो ज़्यादा हो बहतात में हो कसरत से हो लेकिन अल्लाह गाफिल कर दे है ना क्योंकि अक्सर क्या देखा गया है दुनिया में कि बहतात का नतीजा जो है वो अक्सर क्या होता है कि आदमी गफलत में पड़ जाता है है ना अब क्या है कि किस चीज़ से गाफिल किया वो जो चीज़ है वो हजफ करती है मतलब अल्लाह ताला ने वो नहीं बताया कि किसने किस चीज़ से गाफिल हुआ है इंसान अब क्या है इसमें फ़साहत और बलागत और ज़्यादा होती है और ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि कई बार ये होता है ना कि जब बात की जाती है तो आपने कोई चीज़ कही और उसके बाद उसका जिसको कहते हैं ना कि सिरा खुला छोड़ दिया तो फिर क्या होता है कि उसमें फिर कोई भी चीज़ आप डाल सकते हैं और वो क्या है कि वो फिर वो जो फ़िल्म द ब्लाइंक है वो क्या है कि आ, किस चीज़ से काफ़िल किया तो ये भी हो सकता है कि जो हकायक हैं उनसे काफ़िल किया जो ज़िंदगी की जो असल मंजिल है उससे काफिल कर दिया अपने अंदर झाँक के देखने से गाफिल कर दिया अपना एहतसाब अपना मुहासबा करने से गाफिल कर दिया है ना या फिर यह भी हो सकता है कि ये जो कारिया जो पहले जिक्र हुई है तो उस कारिया के आने से वो पता तो था लेकिन क्या हुआ कि गफलत हो गई है ना तो हर एक जो है वो अपनी सोच जो भी उसकी अपनी फिक्र है अपने जहन अपने मिजाज के एतबार से वो फिल इन द ब्लैंक्स कर लेगा क्योंकि हम सब लोगों का जिसको कहते हैं ना कि मिजाज भी अलग है हम लोगों की फ़िक्र भी अलग है और जो सोच है पॉइंट ऑफ व्यू सब कुछ मुख्तलिफ हैं है ना तो हर इंसान का जो द ब्लैंक होगा वो अपने हिसाब से होगा कि हमारे लिए आ, क्या चीज़ ज़्यादा अहम है और हम किस चीज़ से गाफ़िल हुए हैं है ना तो ये कि इसमें आ, समझ लीजिए कि जो सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया गया है तो उसमें क्या है कि उसमें और फसाहत और बलागत इस तरह से आ गई है कि फिर वो हर इंसान का जिसको कहते हैं एक इंडिविजुअल वो होगा कि वो किस चीज़ से गाफिल हुआ है ठीक अच्छा अब क्या है कि ये ये भी कहा गया है कि किस चीज़ से गाफिल हुआ है तो ये भी हो सकता है कि वो जो कुरान जो है उससे गफलत बढ़ती जा रही है ठीक है या फिर जो अभी बात हुई थी मुहासबा है उससे यानी कि अपना हिसाब यानी अपने अपने से अपना हिसाब किताब लेने से आदमी गाफिल हो जाता है, है ना और आ, क्या है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये गफलत वाली है यानी कि वो लगता है कि अच्छा बस ये मिल जाए ये हो जाए तो फिर मैं खुश रहूँगी या खुश रहूँगा जो भी है ना और वो करते करते क्या होता है जब वो चीज़ मिल जाती है तो फिर लगता है कि नहीं ये नहीं इसके अलावा जो था यानी कि उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप आता है कि नहीं वो हो जाए तो फिर तसली हो जाएगी या फिर जिसको कहते हैं ना कि वो ख़ुशी हासिल हो जाएगी लेकिन बात यह है कि वो ख़ुशी कभी भी हासिल नहीं होती जब तक इंसान दुनिया में है तब तक वो जिसको कहते हैं ना उसका नेक्स्ट स्टेप फिर उसके बाद फिर उसके बाद और उसकी कोई इंतहा नहीं होती है ना और बात क्या है कि इसकी वजह से आदमी हम लोग अपना जो मकसद ज़िंदगी है वो कहीं भूल चुके होते हैं है ना और इसी पे ही देखें ये है ना एक हदीस शरीफ है और वो क्या है कि इंसान हदीस शरीफ का मफहम हम बता रहे हैं और वो क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मफहम के एतवार से कि इंसान के आ, पास अगर एक वादी हो सोने की भरी हुई तो वो दूसरी दूसरे की तलब का तलेब होगा ठीक है यानी अगर इंसान के पास एक वादी हो सोने की भरी हुई तो वो दूसरे का तालिब होगा अगर दूसरी हो अगर यानी दो वादियाँ हों तो वो तीसरी का तालिब होगा और इंसान की हरस जो है इंसान की हिरस को क़बर की मिट्टी के सिवा कोई और शय नहीं पुर कर सकती यानी कोई और शय पूरा नहीं कर सकती है उसकी इस हिर्स इस लालच को यानी कि और ज़्यादा और चाहिए और चाहिए और वैसे अगर देखें तो इंसान चाहे मतलब पूरी ज़िंदगी वो करता है उम्र के आखिर तक करता है और ख़ैर देखिए उम्र का तो किसी का कि किसी को नहीं पता है है ना मौत कब आ जाए वो किसी को नहीं पता है लेकिन ये है कि जो बड़ी उम्र में जाने के बाद भी अगर ज़िंदगी उस तरह से गुजारी है तो आखिर वक्त में भी ऐसा नहीं है कि उसे एक तसल्ली हो जाती है वो क्या है कि उसको और चाहिए होता है उसको ये अच्छा जो भी है माल और वो हो गया तो ठीक है औलाद की अब ये ये भी खुशी देख लें वो कामयाबी देख लें और इस तरह से और 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 ज़्यादा कि जो तलब है वो आखिर तक उसका पीछा नहीं छोड़ती है और चाहे वो जिसको कहते हैं ना कि क़बर के किनारे तक पहुँच जाए या फिर जिसको कहते हैं कि क़बर में पैर लटकाए बैठा हो लेकिन तब भी वो इस चीज़ से पीछा नहीं छोड़ा पाता है है ना अच्छा अब ये वाली जो चीज़ थी आ, ये जो तकासुर और इन सब की जो अलग अलग चीज़ें हैं आ, वो है सूर कहफ में भी जो हम लोग पढ़ते हैं आ, वो क्या है वो जो वो वाली कहानी है ना जिसमें दो लोगों की दो दोस्तों की वो है आ, और उसमें क्या है कि एक दोस्त दूसरे से क्या कहता है वो फ़ख्र करता है किस चीज़ पे कि ना अक्सर मालाऊँ व बलदा ठीक है अक्सर उमी इनका माला हूँ अवलादा कि वो एक दोस्त जो है वो दूसरे पे फख्र करता है कि मैं ज़्यादा हूँ तुमसे किस में माल माल में और औलाद में है ना तो बहरहाल अब ये इसके बाद फिर क्या है हता ज़ुरतम यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तान जा पहुँचे ठीक है अब यहाँ पे एक जो चीज़ है वो ये है कि इसके शान नज़ूल में एक बात आती है ठीक है और ये कि वैसे अक्सर जगह ये नहीं भी जिक्र किया गया लेकिन कहीं कहीं पे ज़िक्र है और वो क्या कि उस वक्त जब ये कुरान नाजिल हुआ था तो जो अरब थे वो क्या था कि अक्सर जो था वो एक दूसरे पे फख्र करते थे अपने कबायली एतबार से ख़ानदान और कबीला और जो भी इन लोगों की जो चीज़ें थीं वो एक दूसरे पे तफाखर करते थे है ना और कबायली इनके अंदर वो चीज़ें थी बहुत ज़्यादा तो उसमें क्या था कि वो ये बताते थे यानी एक दूसरे पे फ़्र करते थे किन किन चीज़ों में कि भाई हमारे उसमें लोग ज़्यादा हैं है, 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 है हमारे कबीले के लोग ज़्यादा हैं या ज़्यादा बहादुर हैं या ज़्यादा जिसको कहते हैं ना अचीवमेंट्स ज़्यादा हैं हमारे कबीले लेके और ये करते 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 क्या होता था यहां तक कि ये इस चीज पे भी पहुंच जाते थे कि हमारे लोग जो गुजर चुके हैं वो ज्यादा बेहतर थे तुम्हारे उससे ठीक है और या फिर ये कि हमारे लोग जो गुजर चुके हैं और जो मौजूदा हैं तो ये सब लोग तुम, तुम लोगों से ज्यादा हैं ठीक है तो ये करते करते वो क्या होता था कि वो कब्रिस्तान में जाके और फिर लोग गिनते थे जो उनके कबीले के यानी वो कब्रें गिनते थे और दूसरे कबीले की गिन के और जिनकी ज़्यादा होती थी तो वो उस पर भी फ़ख्र करते थे तो एक तो ये भी हो सकता है कि यहाँ तक कि तुम जहाँ पहुँचे कब्रिस्तान में यानी कि तुम वहाँ तक पहुँच गए ठीक है और वहाँ पे जाके ख़बरें वो करी अब वैसे अगर देखें तो कब्रिस्तान आज भी इस ज़माने में भी कब्रिस्तान वो जगह है जो कि एक जिसको कहा जाता है इंसान के आँख खोलने के लिए उससे ज़्यादा और कोई मुशाहे की चीज़ नहीं हो सकती है ना कि मौत वाकई वो हकीकत है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता चाहे वो ईमान वाला हो चाहे वो ईमान वाला ना हो चाहे वो आ, किसी खालिक को मानता हो जो एथीस्ट भी होते हैं तो वो भी किसी चीज़ को नहीं मानते लेकिन मौत को मानते हैं मौत जो है वो वाकई वो हकीकत है कि जिससे कोई भी इनकार कर ही नहीं सकता है क्योंकि वो मुशाहे की चीज़ें वो तो सामने होती है दिखती है और कब्रिस्तान में जाने से क्या होता है कि इंसान अपनी आखरत को जिसको कहते हैं ना कि उसकी तैयारी में ज़्यादा लग जाता है है ना एक हकीकत उसके सामने आ जाती है लेकिन यहाँ पे क्या है कि कब्रिस्तान में जाके भी इन लोगों को जिसको कहते हैं कि वो हकीक़त की तरफ इनकी आंख नहीं खुली है ना? यहाँ तक के वो पहुँच गए कब्रिस्तान में या फिर अगर देखें तो क्या है ज़ारा तो जो उर्दू में हम कहते हैं ना ज़ियारत तो वो भी इसी लफ्ज़ से है है ना और ज़ारा ये जियारा जो है ज़ियारा क्या कहा जब किसी के पास जाएँ है ना यानी किसी को विज़िट करना हो या फिर किसी से मिलने जाना हो और इसी तरह से आ, किसी की मदद करने को भी के लिए भी ये लफ्ज़ आता है ठीक अब अगर किसी से मिलने जाना होता है तो क्या होता है कि आप यू लुक फॉरवर्ड टू इट है ना यानी कि आप तैयार होते हैं आप जो भी है उस तरह से फिर जाते हैं किसी की जियारत के लिए ठीक है तो तो ये है कि ये लफ्ज़ ला के जो बात है जो बतान बताई जा रही है वो क्या है कि हती ज़ुर मकाबिर ठीक है यानी ज़ियारत करनी है कहाँ की मकाबिर की यानी कि तुम्हें वो पसंद हो चाहे ना पसंद हो यानी कि वेदर यू आर लुकिंग फ़ॉरवर्ड टू इट और नॉट क्या है तुम्हें वहाँ तक तो जाना ही है ठीक है यानी तुम्हें कब्र तक तो जाना है और जीारत जो लफ्ज़ आता है जब किसी से मिलने गए या किसी को विज़िट करने गए या जो भी है तो ये होता है कि जब हम किसी से मिलने जाते हैं तो क्या वहाँ पे हमेशा तो नहीं रहते मिलते हैं और फिर वापस आ जाते हैं तो इस लफ्ज़ के इस्तेमाल से एक बात जो और पता चली वो क्या पता चली वो ये कब्र में हमेशा नहीं रहना है जाएंगे और फिर क्या होगा वहाँ से वापस निकल आएंगे ठीक अच्छा अब एक चीज़ जो है यहाँ पे क्या है मकाबिर मकाबिर जो है ये कब्र से ही है ठीक लेकिन क़ब्र की जो जमा होती है वो क्या होती है कबूर होती है है ना वह इजल कबूर सरत ठीक तो कब्र की जमा तो कबूर है तो अब ये मकाबिर क्या हुआ मकाबिर जो है ये मकबरा की जमा है और मकबरा जो है ये जर्फ मकान है यानी कि जो भी लफ्ज़ होता है अक्सर क्या होता है कि जो भी सलासी मुजरद है यानी जो रूट वर्ड जो है उसके आगे जब मीम आता है मतलब किसी ख़ास अंदाज़ में जब वो मीम आता है तो वो ज़रफ़ मकान बन जाता है यानी वो जो मतलब है वो वही रहता है लेकिन वो एक जगह मुराद होती है उससे <coughs> मिसाल के तौर पे सजदा ठीक है यानी सजदा करना मस्जिद क्या हुआ वो जगह जहाँ पे सजदा किया जाए ठीक इसी तरह से मजलिस जलासा होता है बैठना और मजलिस वो जगह जहां बैठा जाए ठीक है? ता, है उड़ना ठीक तारा या तीरू उड़ना होता है और मतार एयरपोर्ट को कहते हैं वो जगह जहां पे जो भी चीज है वो उड़ उड़े ठीक है इसी तरह से ठीक तो आ, मकबरा ये, जो है उसकी जमा है मकबिर हतीत मकाबिर तो मकाबिर जो है ये ज़रफ़ मकान की जमा है ठीक तो आ, क्या हुआ कि यहाँ पे इस आयत के हिसाब से यानी इस सूरत सूरत में जो पता चली बात वो क्या कि यहाँ तक के वहाँ पे जो कब्रें हैं वहाँ तक भी पहुँच गए तो भी <coughs> क्या हुआ कि ये जो गफलत है ये तुम्हारे ऊपर तारी नहीं ठीक है और एक जो चीज़ है अल्हा ये है माजी का सगा है ना यानी कि तुम गाफ़िल हो चुके हो यानी अक्सरियत इंसान की ये काम कर चुकी है यानी एक जो कहा जाता है ना हतमी तौर पे, कि ये चीज़ हो चुकी है यकीनी है ठीक तो आ, और एक और जो आ, इसका मतलब जो समझ में आता है वो ये है कि इंसान जिसको कहते हैं ना कि कबर के चाहे जितने भी किनारे हो तो उसके बावजूद बहतात की जो तलब है वो खत्म नहीं होती है यहाँ तक कि वो उस ही खबर में चला जाता है ठीक है कल्ला आलमून ऐसा हरगिज ना चाहिए बहुत जल्द तुमको मालूम हो जाएगा या फिर कल्ला सफ़तम कोई नहीं वो वक्त दूर नहीं यानी अनकरीब तुम पर हकीक़त मुनकशिफ हो जाएगी यानी तुम्हें पता चल जाएगा तुम जान लोगे और ये जो है ये एक इंज़ार का तरीक़ा है यानी डराने का एक अंदाज़ ठीक है मौत जो है वो तो इंसान के सर पे ही है है ना और किसकी की कब आएगी वो भी नहीं पता तो गोया इस तरह से है कि वो हमेशा आपके सर पे होती है और वो बहुत जल्द तुम्हें आ पहुँचेगी या आ दबोचेगी ठीक है सुमकल्ला सौफ़त आलमून एक बात तो ये है कि ये कहा जाता है कि ये ताक़ीद के लिए है कि ख़बरदार बहुत जल्द तुमको पता चल जाएगा ठीक है यानी फिर ताकीद के लिए आया है कि सुम्मा जो है ये ताकीद के लिए आया कि हकीक़त मुनकशिफ हो जाएगी बहुत जल्द तुमको पता चल जाएगा ठीक है और एक बात जो है वो ये भी कही गई है कि ये जो है ना दो दो मरतबा ये इसलिए है कि पहली जो आयत है कल्ला सौफ़त आलमून ये तो कब्र में जाने तक की बात बता रही है और सुम्मा कल्ला सौफ़त आलमून ये जो है ये जो दूसरी बार जब आ, वो किया जाएगा ना, जब खड़ा किया जाएगा ये उसके लिए है कि फिर ये अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा ठीक है यानी कि ख़बरदार बहुत जल्द तुमको पता चल जाएगा अब पहली बार जो होगा यानी कब्र में जब जाएगा इंसान तो क्या होगा तीन सवाल हैं है ना? और वो पहली बार उसका हिसाब कि, किताब लिया जा रहा है और जब दूसरी बार यानी कि जब कयामत के दिन जब वो होगा तो वो जो रिकॉर्ड होगा वो ज़्यादा तफसीली होगा है ना यानी कि एक एक डिटेल और वो तो हम लोग पहले जो सोते हैं उसमें पढ़ चुके हैं उसमें फिर एक एक डिटेल एक एक चीज़ बताई भी जाएगी और पूछी भी जाएगी तो इस वजह से जो दूसरी बार जो आयात आई है वो ज़्यादा जिसको कहते हैं कि ताकदन और, और तफसील से आई ठीक है और एक बात यह भी है कि जब डराना होता है किसी को तो क्या होता है कि आ, कई बार ये है कि आपने कोई चीज़ कही एक बार आपने जितने भी इम्फिस से कही हो लेकिन उससे असर नहीं पड़ता है लेकिन जब आप ताक़ीदन बार बार जब कहते हैं वो बात तो फिर वो ज़्यादा असरअंदाज होती है।, है ना जैसे आप किसी को बोलिए कि ये मत करना लेकिन आ, उसके बाद फिर क्या होता है कि उसके बाद फिर जब वो चीज़ आती है जब दोबारा वही ताकीद के साथ होता है तो फिर जिसको कहते हैं कि उसमें ज़्यादा असर होता है, है नब्मा कल्ला सौ नमून फिर क्या है कल्ला लमून यकीन नहीं नहीं अगर तुमको यकीनी तौर पर मालूम हो जाता तो उसके हिसाब से फिर एक महजूफ़ है कि तो ऐसा ना करते ठीक अब यहाँ पे आ, क्या है कि पहले जो बात आ, करनी है वो करनी है हम लोगों को यकीन के बारे में ठीक है और इसका एक दूसरा तर्जमा क्या है हरगिज़ नहीं अगर तुम जान लेते यानी यकीन का जानना या फिर ये है कि काश के तुम जान लेते यकीन का जानना ठीक तो एक बात तो यहाँ पे जो आएगी वो क्या है कि लव, लव जो आता है ना ये हसर यानी हसरत के लिए है कि काश के तुम जान लेते ठीक अब ये जो यकीन जो है ना ये हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं यकीन जो होता है और क़ुरान शरीफ में तीन तरह से ये यकीन आया है एक है यकीन एक यकीन और एक होता है हकुल हक यकीन ठीक है तो ये तीन तरह के यकीन हैं है ना अब ये कि क़ुरान शरीफ़ में इन तीनों का ज़िक्र आया है और अलग अलग तरह से आया है इनके दर्जात होते हैं तो यकीन वैसे अगर देखें तो वो एक तरह की एक समझ लीजिए कि इल्म है यानी वो चीज़ है जो आदमी जानता है लेकिन वो जो मार्फत है उससे ऊपर का जो दर्जा होता है मारफ़त से बुलंद जो दर्जा है वही यकीन का है ठीक है और वैसे अगर देखें तो ईमान से भी ऊपर जो दर्जा आता है वो यकीन का आता है ईमान के ऊपर क्या आता है ईकान ठीक है यानी यकीन के दर्जे में जो चीज़ होती है यानी कि उस किसी चीज़ पे आपको इस क़दर यकीन है कि उसमें कोई शक और तरद नहीं है कोई शक और शुभा नहीं है तो उसको फिर यकीन कहा जाता है ठीक है तो ये कई ने इसके सिलसिले में अ, अलग अलग जिसको कहते हैं कि उसको समझाया है तो उसमें एक जो चीज़ आती है अ, उन सारे अकवाल में से तो ये आती है कि एक तो कि वो हतमी तौर पे एक सच है हकीकत है ठीक है और यह है कि उसमें किसी भी तरह का शक व शुभा या तरद ना हो वो होता है यकीन ठीक है अब यकीन जो है कुरान शरीफ में मौत के माने में भी आया है जैसे है ना हद या कर यकीन तो ये मौत के मामले में भी यानी मौत के मायने में भी आया है यकीन का लफ्ज ठीक है और यह समझने के लिए एक जो चीज़ है ना यह आम यकीन आइनुलयक और हक़ीन तो उसकी मिसाल दी जाती है कि अगर आपको कहीं धुआं दिखा तो आपको क्या हुआ कि आपको ये आपने वो धुआं देख के अंदाज़ लगा लिया कि यहाँ पे आग लगी ठीक है तो ये क्या हुआ अपने इल्म से आपको ये बात पता चल गई ठीक और इसके साथ साथ जो एक चीज़ आती है वो ये आती है कि आपने वो आग देखी और फिर आपने आ, कहा या फिर आपको ये इस बात पे यकीन हुआ कि यहाँ पे आग है तो ये क्या हुआ यह हो गई आइन यकीन और कई मरतबा ये होता है कि आँखों देखी बात भी आदमी उतना नहीं आ, जिसको कहते हैं कि उस पर भरोसा कर सकता है तो वो क्या है कि फिर आप उसके करीब गए आपने उसकी तपिश महसूस की या उसको छुआ और आपको अम, हाथ में वह हरारत लगी तो फिर ये क्या हुआ यह हो गया यकीन तो दुनिया में रह के ना अल्लाह ताला हम लोगों को जो देते हैं वो यकीन देते हैं ठीक है और कई मरतबा कुछ लोगों के दर्जात या फिर कुछ लोगों का जो ईमान और यकीन की कैफियत वो होती है कि वो उस यकीन से वो यकीन तक पहुंच जाते हैं यानि कि वो इस क़दर बुलंद उनका वो जो यकीन है वो होता है यानी कि अगर हदीस जबरील जो है उसमें देखें तो क्या पता चलता है कि एहसान जो आप सल्लल्लाहु अलैहि ने जिसकी तारीफ़ यानी डेफिनेशन जो बताई थी वो क्या था कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे कि तुम उसको देख रहे हो ठीक है और फिर अगर वो ना कर सके कर सको तो फिर इतना तो समझ लो कि वो तुम्हें देख रहा है तो वो जो एक यकीनी कैफ़ियत जो है ना वो इंसान को हासिल हो सकती है इस दुनिया में रह के भी ठीक है और इसके बारे में फिर बहुत सारी राय भी हैं और इसकी बहुत तफसील आई है इस इल्मी -यकीन, यकीन और यकीन पे है ना तो बहरहाल ये जो यकीन मोलयक़ीन वो जो कि इस्तलाली हो यानि दलायल से जो आपके अपने इल्म से जो पता चल रहा है जो नॉलेज से है ठीक है फिर आयीन तो ये कि जब किसी शाय को देख लिया जब उसका मुशाह हो गया तो फिर क्या हो गया यकीन आ गया और फिर हक हक़ोक जो आया तो वो क्या है वो उस तरह का यकीन है कि उसमें फिर कुछ और भी जिसको कहते हैं न कि शक और शुभा और वो सब तो छोड़ दीजिए फिर वो आ, ऐसा होता है कि वो आपके अंदर एक तमानियत यानी एक इतमान एक सुकून वो खुद डाल देता है और यकीन का सबसे समझ लीजिए कि बुलंद दर्जा हुआ वो तो आ, क्या है कि सूर्य बकरा में भी आया ना वह बिल आखिरती हूँ यू ठीक यूक़िन और इसी तरह सूर्य लकमान में भी आया है तो ये यकीन वाली जो कि एक कैफियत होती है कि यकीन के दर्जे में जिसका ईमान हो तो फिर बहरहाल यह कि उसकी बात की है अल्लाह ताला ने इन सूरतों में और जो और सूरतें जिसमें कि, कि ये लफ्ज़ आया है ठीक है तो बात यह है कि आखरत का यकीन जो है वो ज़रूरी है ठीक और ये यकीन अलग अलग जगह कुरान में अलग अलग मायने के लिए आया है ठीक है और जो अभी बात हुई थी ना कि मौत के माने में भी आए सूर्य मुदसर और सूर्य हिज्र में ठीक है लेकिन यहाँ पे जो बात आई है वो क्या है इल्म यकीन के तुम जान लेते अब एक जो और चीज़ आई है वो जो यहाँ पे जिसके सिलसिले में काफ़ी तफसील से बहस हुई है वो ये है कि यहाँ पे ये जो है ये शर्तिया है या तमन्ना है यानी कि यह है कि अगर ये होगा तो फिर वो हो जाता या फिर यह है कि आकाश अगर तुम ये जान लेते तो फिर उसके बदले उसके नतीजे में फिर क्या होता तो ये बात यहाँ पे इसके सिलसिले में तो आ, ये है कि यहाँ पे इसकी जो शर्त है जो जवाब शर्त है वो महजूफ है क्या है कि तुम हकीकत तुम पर मुनकशिफ हो जाती अगर तुम जान लेते है ना या फिर यह है कि अपनी ज़िंदगी का रुख जो है वो बदल देते अगर तुम जान लेते ठीक है और इसके अलावा जो अच्छा इसके बाद की जो आयात हैं वो क्या है कि किलामलिन हरगिज़ नहीं अगर तुमको यकीनी तौर पर मालूम हो जाता तो फिर क्या है तो ऐसा ना करते ये जो ऐसा ना करते ये जो है ये विदिन ब्रैकेट से क्योंकि ये महजूफ़ है ठीक है ल जहीम ज़रूर तुम दो जख़् को देखोगे ठीक है अब यहाँ पे जहीम जो है ये जहमा से आया है ठीक और जहमा क्या है जहमह कहा जाता है आ, वो जब कोई शिकारी जानवर जो होता है जैसे शेर जब अपनी शिकार को जब देखता है तो उसको जहमा कहा जाता है ठीक है उस उस टेयरिंग को जहमा कहा जाता है ठीक और यहाँ पे जो जहीम को जहीम इसलिए भी कहा जाता है जो वो है जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं वो क्या है कि जब उसको देखेंगे जब अपनी आँखों से जब देखेंगे और उसका एक और मतलब जो है वो ये भी कि वो जो जहन्नम की दहकती हुई आग होगी वो, हो वो ख़ुद तुमको देखेगी घूरेगी यू नो इट विल स्टेयर बैक एट यू तो ये वाली जो चीज़ है ये हम लोग इससे पहले भी कर चुके हैं ठीक है थीके? अब ये लाम जो यहाँ पे है ना लतरा ला ला लाम ये आता है कसम के लिए यानी कि इसका मतलब ये है कि इससे पहले कोई और चीज़ आई है या फिर ये जो है ये ताक़ीद के लिए है कि तुम ज़रूर ज़रूर देखोगे ठीक है और अल्लाह तरा उन ये नून सकीला है यानी नून ताक़ीद होता है तो यहाँ पे ताक़ीद करने के लिए अल्लाह ताला बहुत सारे वो लाए हैं मतलब लाम भी आया है फिर नून ताक़द भी आया है ठीक फिर क्या है सुमल तरा उन्ना यकीन फिर तुम इसको बिल यकीन देखोगे ठीक है क्या है कि जब अपनी आंखों से फिर मुशाह फिर हो ही जाएगा है ना और यहां पे भी लतराउ हाँ लाम भी ताक़ीद और नून जो है वो भी ताक़ीद के लिए आया है ठीक और फिर क्या है सुम लत यमिन फिर इस दिन तुमसे नेमतों के बारे में पूछा जाएगा ठीक और ये जो है ना लतुस अलुन्ना। तो लतुस अलुन्ना में फिर ताक़ीद है लाम आया है ताकीद के लिए फिर ये हो सकता था लतुस अलू ठीक वहां से लेकिन लतुस, अलन। लतुस अल आया ये एक दूसरी ताकीद हुई और फिर लतुस अलुन हो सकता था तीसरी ताकीद और यहाँ पे क्या है? लतुस अलुन तो ये चार तरह से इसमें ताकीद डाली गई है ठीक है कि जरूर ब ज़रूर मतलब जरूर 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 क्या होगा कि तुम पूछे जाओगे नेमतों के बारे में ठीक अब नाइम जो है वो क्या है न्यामा की जमा बल्कि उसकी जमा नहीं है नमहा से ये लफ्ज़ आया है ठीक है लेकिन नम् निवा, नमत जो है उसकी जमा क्या है नाम है या फिर अनुम है उसकी जमा और नाइम जो है ये सिफत मुशबा है यानी कि ये एक सिफत है ठीक है और सिफत क्या होती है सिफत वो चीज़ होती है जो कि उस चीज़ के साथ लगी हुई हो है ना तो फिर उसके हिसाब से इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अनिन नाइम यानी तुमसे नेमतों के बारे में पूछा हो जाएगा यानी कि पूरी की पूरी जो ज़िंदगी जो नेमतों में गुजरी थी है ना यानी कि सिफत मुशब्बा यानी उसकी सिफत क्या होगी कि वो नाइम यानि कि पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है वो आसानियों में आसाइशों में नेमतों में जो गुजरी है मुस्तकिल कांस्टेंट कंटिन्यूस जो नेमतें पूरी जिंदगी में अल्लाह ताला ने हम लोगों को अदा की है उनका सवाल किया जाएगा है ना और बात यही है कि जिसके पास जितनी ज़्यादा नेमतें होंगी उससे उतना ज़्यादा सवाल किया जाएगा है ना तो आ, देखें अगर तो आ, बात वही पता चलती है कि दुनिया जो है एक इम्तिहान है है ना अल्लाह ताला दे के भी आजमाते हैं और ना दे के भी आजमाते हैं ठीक देने के बाद लेके भी आजमाते हैं तो आजमाइश हर तरह से है और कभी कभी ये होता है कि जो आसानी है। जो दे के अल्लाह आजमाते हैं ना वो ज़्यादा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि इंसान को पता ही नहीं चलता कि उसकी आजमाइश है उसको आजमाया जा रहा है भाई जब फ़क्र फाक़ा है मुसीबत है परेशानी है तो अक्सर क्या होता है अक्सर यही होता है कि हमारा इबादत बढ़ जाती हैं दुआएं तो डेफिनेटली बढ़ती हैं है ना जिक्र अस्कार बढ़ जाते हैं सब्र करता है आदमी है ना और क्या होता है कि एक इंकसारी की कैफियत अपने अंदर होती है है ना और एक जिसको कहते हैं ना आ, कि आ, एक थोड़ा सा डाउन रहता है इंसान डाउन टू अर्थ रहता है डाउन से मतलब वो नहीं है कि वो वैसे आ, आ, अफसोस में हो गया वो वाला नहीं लेकिन एक वो है इसके बरक्स जब नेमतों में होता है आसानियों में आसाइशों में होता है इंसान तो क्या होता है अक्सर गुरूर आता है मगरूर हो जाता है इंसान दिखावा आता है अपने आप को बेहतर समझने लगता है दूसरों से है ना और फ़ख्र करता है और इबादात और उनके लिए बहुत ज़्यादा तो वक्त नहीं निकलता है दुआओं की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि अल्लाह ताला का दिया सभी कुछ है साथ पास में है ना तो कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है और ये तो अक्सर हम लोग मुशाहे में भी देखते हैं है ना तो बात यह है कि कई मरतबा जो नमतें हैं वो ज़्यादा बड़ी आजमाइश इस वजह से होती हैं क्योंकि इंसान को पता ही नहीं चलता कि वो आजमाइश है है ना बहरहाल अल्लाह ताला हम सब लोगों की हिफाज़त करें और अल्लाह ताला हम लोगों को शुक्रगुजारी की बेहतरीन तौफीक अता फरमाएं अब यहाँ पे ये जो आखिरी आयत है ना तो उसके सिलसिले में एक, एक समझ लीजिए कि एक हदीस शरीफ है ठीक है और वो क्या है एक तो ये है कि हज़रत अबू हरेरा रदी से मरवी है कि एक मरतबा नबी करीम अलैहि वसल्लम दौलत कदा से बाहर तशरीफ़ लाए तो बाहर अबू बकर रदी अल्लाह मिले उनको सलाब किया और उसी तरह उमर रदील्ल्ह मिले ठीक है फरमाया तुम इस वक्त घर से कैसे निकले अर्ज़ किया या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख से भूख से मजबूर होकर निकले हैं फरमाया कसम है इस ज़ात की कि जिसके कब्जे में मेरी जान है मुझको भी इसी चीज़ ने निकाला है जिसने तुमको तुम्हारे घरों से निकाला है यानी भूख की वजह से भूख की शिद्दत इतनी हो गई थी फिर फरमाया खड़े हो जाओ चुनाचे खड़े हो गए और तीनों हजरात चले और एक अंसारी सहाबी के घर में पहुंचे। वो सहाबी घर पे मौजूद ना थे इनकी बीवी ने जब रसूल वसल्लम को देखा तो क्या हुआ बेहद खुश हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश आमदीद कहा ठीक है आ, एक चले खैर आपने आप इन अंसारी साहबी रदील के बारे में मालूम किया कि वो कहाँ हैं तो उन्होंने बताया यानी उनके अहलिया ने बताया कि या रसोल्ला सल्हम आप तशरीफ़ रखिए वो ठंडा पानी लेके आई वो उस वक्त वो सवाबी घर पे नहीं थे ठीक है आ, इतने में वो भी आ गए नबी करीम अलैहि वसल्लम और शेख़ैन यानी हज़रत अबू बकर और उमर रदी को देख कर वो खुश हो गए और कहने लगे अलहमदिल्ल माँ अहदलिया माँ अख और अदयाफन मिन्नी कि अलहमदिल्ला आज मेरे सिवा कोई भी ऐसा नहीं जिसके घर में मेहमानों से ज़्यादा बुजुर्ग मौजूद हूँ, ठीक है यानी मेरे मेहमानों से ज़्यादा बुजुर्ग मौजूद हूँ, ठीक है फिर वो अपने बाग से खजूरों का एक गुच्छा लेके आए ठीक और उसके बाद फिर उसमें से जो कच्ची पक्की जो हर किस्म की जो खजूरें थीं, तो वो तीनों हज़रत की खिदमत में पेश करके अर्ज़ किया कि आप इसको खाइए फिर उनके पास एक बकरी थी उसको ज़बा किया और उसके लिए फिर ये कि नबी करीम अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दूध वाली बकरी ज़बा ना करना बहरहाल ये और तफसील है और फिर क्या हुआ कि उन्होंने वो पकाया और फिर नबी करीम अलैहि वसल्लम ने और इन दोनों साहबा इकराम लोगों ने खाया उसको ठीक है और फिर जब वहाँ से वो लोग निकले तो नबी करीम अलैहि वसल्लम ने अबू बकर अन्हु और उमर रदी से इरशाद फरमाया कसम है इसदाद की कि जिसके कब्ज़े में मेरी जान है तुमसे इस नेमत के बारे में क़यामत के दिन सवाल होगा तो बहरहाल ये जो आयत है इसके जमन में ये वाली हदीस आती है और बस जो बार बार जहन में आती है चीज़ वो ये कि ये एक वक्त का खाना था और ये उस वक्त था जबकि ये तीनों हजरात बहुत शदीद भूख में मुब्तला थे है ना और उसके बाद एक वक्त का जो खाना मिला तो उसमें नबी करीम अलैहि वसल्लम से ने इन दोनों से ये फ़रमाया कि इस नेमत का सवाल होगा तो अगर वैसे देखें तो हम लोगों की पूरी ज़िंदगी जो है वो नेमतों में आसानियों में आसाइशों में गुजरी है है ना और ये वो नेमतें हैं जो मुसलसल चल रही हैं वो जो ये जो सेहत है ये भी तो बहुत बड़ी नेमत है इस नब इस नबी अलैहि वसल्लम की उम्मत में होना ये भी नेमत है और ये कि ये अगर इसकी तफसीर में देखेंगे ना तो ये बहुत सारी चीज़ें मुफसरी इकराम ने इसमें मेंशन की है कि ये कुरान जो है ये नेमत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ताला ने भेजा हमारे लिए वो वो नेमत है ये जो इल्म है ये नेमत है इस उम्मत में आना ये नेमत है ये ईमान जो है ये नेमत है ये सेहत जो अल्लाह ताला ने अता फरमाई है ये नेमत है अगर घर मौजूद है तो वो नेमत है अगर घर वाले मौजूद हैं तो वो नेमत है अगर खाना मौजूद है हर वक्त का यानी हर वक्त अगर आपको खाना में असर हो रहा है तो वो बहुत बड़ी नेमत है और हम लोगों को अगर देखें तो क्या है जब नल खोला तो उसमें पानी होता है पानी हमेशा मौजूद होता है यानी कि कहीं बहुत दूर जाके लेके आना पड़ता है या जो पानी है वो पीने लायक है ये बहुत बड़ी नेमत है जो सांस का आना जाना है जो बहुत आसानी से आती जाती रहती है ये दिल का धड़कना ये सब नेमतें हैं ये बोल पाना अपने हाथ पैरों पर चल पाना अपने पैरों पर खड़ा होना अपने हाथ से काम कर लेना यह सारी जो दसों उंगलियां हैं ये सब जो है एक एक चीज जो है वो नेमत है ये आँखें हैं ये कान है ये जबान अगर ये कि कोई खाना है जो अपने से चबा के और अपने पेट में डाला जा सकता है तो वो बहुत बड़ी नेमत है और ये सब नेमतें उस वक्त महसूस होती हैं जब आप किसी ऐसे से मिलें जिसके पास इनमें से कोई एक भी चीज़ कम है कोई एक भी चीज़ नहीं होती है ना तो फिर एहसास होता है कि अल्लाह ये एक जो चीज़ है ये कितनी बड़ी नेमत है तो बहरहाल ये नेमतें जो हैं उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है कोई उसकी हद और इंतहा ही नहीं है जिन नेमतों में अल्लाह ताला ने हम सब लोगों को रखा हुआ है है ना और ये कि जो सवाल किया जाएगा ना तो वो इन सब का किया जाएगा और एक एक चीज़ का सवाल होगा और हदीस शरीफ़ के मफहूम से भी जो हम लोगों को पता चलता है एक तो क़ब्र के आते हैं है ना और उसके बाद ये है कि जो क़यामत के दिन भी जो सवाल किए जाएंगे है ना वो भी हैं जो क़ब्र के सवालत हैं तो वो तो वही है कि तुम्हारा रब कौन तुम्हारा ये जो भेजा गया था मतलब नबी कौन और तुम्हारा दीन है ना ये है और उसके बाद जो ये है जो क़यामत के दिन जो सवाल किया जाएगा जो हदीस शरीफ के एतबार से उसके मफहम से जो बताया जाता है वो क्या है कि इब्ने आदम के कदम अपनी जगह से इस वक्त तक नहीं हट सकते जब तक कि वो पांच सवालों का जवाब ना दे ना दे दे है ना और ये कि इसी तरह से क्या है ये जो सवाल हैं ये एक बार दोहरा लेते हैं ये पहले भी हो चुका है कि उम्र कहाँ खपाई ठीक है जिसम को किस काम में लगाया किस काम में दुबला किया ठीक है इल्म के मुताबिक क्या अमल किया सबसे पहले उम्र की पूरी उम्र तुमने क्या किया अपने जिस्म को किस चीज में लगाया तुमने है ना किस चीज़ में उसको खपाया किस चीज़ में उसको दुबला किया इल्म के मुताबिक क्या अमल किया यानी जितना जितनी चीज़ें पता थी जो इल्म था तुम्हें उसके एतबार से तुमने उस पर अमल कितना किया अब यहाँ पे एक जो चीज़ आती है वो भी जल्दी से ही मेंशन कर दें वो ये कि इस वजह से काफ़ी लोगों का वो होता है ना कि नहीं नहीं हमें ना बताओ बताएंगे तो फिर सवाल होगा नहीं ये बात नहीं है इसलिए कि जो चीज़ें आ चुकी हैं जो इल्म इस दुनिया में अल्लाह ताली ने भेज दिया है जो अपने दीन के बारे में बता दिया है तो वो तो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है वो तो हमको हासिल करना ही है ये हम कर ही नहीं सकते कि आँख बंद करके बैठ जाएँ और इस इस बहाने से कि अगर पता चल जाएगा तो फिर अमल करना पड़ेगा है ना तो बात यही है कि इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज इसके बाद जो चौथा जो सवाल होगा वो माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया ठीक और उसके बाद जो है इसको एक बार और दोहरा रहते हैं कि उम्र कहाँ खपाई जिस्म को किस चीज में खपाया इल्म के मुताबिक अमल और माल कहाँ से कमाया और क्या है कि माल कहाँ खर्च किया ठीक है और ये सब तफासिर में हदीस शरीफ़ में ये बहुत तफसील से इन सवालों के सिलसिले में जिक्र किया गया है है ना तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सब लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह ताली अमल की तौफीक अता फरमाए अल्लाह ताला हम लोगों का कब्र में और हशर में हर जगह सवाल जवाब आसान कर दें एक है ना अल्लाह हासीबनी हिसाब यहाँ कि हदीस शरीफ के मफहम से है कि जिस से सवाल किया गया उस उस दिन तो वो क्या हुआ वो हलाक हो गया तो अल्लाह ताला हम लोगों को उस हलाकत से उस सवाल जवाब से अल्लाह ताला हम सब लोगों की हिफाज़त फरमाए अबरजीम बसमीम सुबहअल्लाबी हमदही सुबहान वबी हमदीका नशद अलांत व नतूब तुबिल्क अच्छा देखें एक चीज़ छोटी सी है कि सूरह जो शुरू हुई थी वो क्या हुई थी कि तकासुर की वजह से क्या हो गया इंसान गफलत में आ गया है है ना तो और आखिर में क्या है कि लतुस्लन्ना कि तुमसे सवाल होगा नमतों का तो बात यह है कि शुरू में तो गफलत थी और आख़िर में क्या है कि सवाल के बारे में बताया गया है कि तुमसे पूछा जाएगा है ना? तो अगर हमको ये याद रहे कि ये जो भी नेमतें हैं ये जो भी चीज़ें हैं इनका हमसे सवाल किया जाएगा तो फिर क्या होगा कि हम लोग अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी और अल्लाह ताला को याद करने में अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم ما وبحمدك نشهد وال... سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم ما وبحمدك نشهد أن وال... لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين جزاك الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته